देखिए दोस्तों, आज हम बना रहे हैं पोहे। बहुत ही बढ़िया लगते हैं नाश्ते में खाने में। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, नींबू और हरा धनिया। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। यह है सरसों का तेल और इसमें हमने जीरा डाल दिया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें अब हम डाल देते हैं प्याज और प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद में हमने डाली है हरी मिर्च और देखिए दोस्तों, उसके बाद हम डालेंगे टमाटर और टमाटर को भी हम अच्छी तरह से पका लेंगे। ये देखिए दोस्तों, और इसके बाद इसमें लाल मिर्च, हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार हम डाल देंगे। इन सभी को अच्छी तरह से पका लेंगे। और देखिए दोस्तों, अब हम डाल देंगे इसमें पोहे और इनको अच्छी तरह से चलाएंगे। और जब ये एकदम मिल जाएंगे आपस में तो ये बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा कलर आ रहा है और हमारे पोहे बन गए हैं। तो चलिए अब इसमें हम एक नींबू डाल देते हैं और इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। और डाल देते हैं हरा धनिया। तो देखिए दोस्तों, हमारे पोहे बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए,